अवैध रेत का परिवहन करते एवं फर्जी रॉयल्टी को लेकर की गई छापामार कार्यवाही। खैरलांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत मामला प्रकाश में आया है, जहां देखा गया कि रेत का परिवहन कर रहे दो डंपर क्रमांक MH35AJ1004 MH35AAJ2111 पर पुलिस द्वारा छापामार की कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी श्री रामबाबू चौधरी ने बताया कि रेत घाट से एक बार की रॉयल्टी कटवाकर उस रॉयल्टी में दिनांक बदलकर दूसरे दिन भी अवैध रूप से रेत का परिवहन किया जा रहा था, जिसमें तीन आरोपी गाड़ी मालक गौरव चौरसिया पिता राजेश चौरसिया उम्र 30 वर्ष तिरोड़ा जिला गोंदिया निवासी एवं गाड़ी चालक महेश मोहरे पिता लिखिराम मोहरे उम्र 22 वर्ष लोधीटोला तिरोड़ा निवासी एवं आकाश वाघाड़े पिता प्रहलाद वाघाड़े उम्र 28 वर्ष मलपुरी थाना गोरेगांव जिला गोंदिया को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध धारा IPC 420, 467, 468, 471, 379, 34, 21 खान एवं खनिज के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को जेल भेजा गया। इस सारे मामले की जांच पड़ताल सहायक उप निरीक्षक देवाराम पटेल द्वारा की गई। ONI न्यूज के लिए फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट। और ने आवेदन दिया था लिखित में कि इनको सूचना मिल रही थी कि कुछ इधर महाराष्ट्र का गिरोह है जो एक बार तो इनसे रेत लेता है और TP ले लेता है और फिर रात को उसी TP को एडिट करके और फर्जी TP से महाराष्ट्र तरफ से रेत लाए थे और अवैध रूप से चोरी कर रहे हैं और ये महाराष्ट्र ले जा रहा है। तो कल इनके आवेदन पे मुकदमा कायम किया था और इसमें 420, 467, 468, 471, 379, 4/21 खाने अधिनियम में मुकदमा कायम किया, जिसमें वाहन मालिक गौरव चौरसिया ये तिरोड़ा का रहने वाला है और दो ड्राइवर हैं इसमें आकाश वाहड़े और महेश मोहरे जो भी वहीं के तिरोड़ा गोदिया के रहने वाले दो डंपर हैं जिसका मालिक गौरव चौरसिया है और ये अपने मोबाइल से TP को एडिट करके और फर्जी TP इसने बनाई थी रात को दिनांक 24 को रात्रि में और उसी से ले जा रहे थे, तो खैरी के यहाँ ये पकड़ाए थे जिनको गिरफ्तार किया गया है कल और आज इनको कोर्ट में पेश किया गया है।